अभी हम आए हुए हैं मामा के, ये पापा फीस सबमिट करवाने आए थे स्कूल में। अभी हमारी चलिए चॉकलेट पार्टी पापा ने दी है सभी को। ये सभी देखो कैसे बैठे हैं वेट में, चौमिन की वेट में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है संडे, अभी बज रहे हैं 9। तो अभी हम कर रहे हैं क्या, जो हमारे गर्मियों के कपड़े हैं ना उनको बेड में रख रहे हैं, जो सर्दियों के उनको निकाल रहे हैं, फिर सारे कपड़े अलमारी में मुरी जाएंगे। अभी मम्मी बेड में से जो सर्दियों के कपड़े वो निकाल रही हैं और मैं देखो कहाँ खड़ी हूँ बेड पे, गद्दा बाहर धूप में रख दिया इतना। अभी गाने सुनते सुनते अपना काम करेंगे। देखो मैंने अपने बाल स्ट्रेट करवा लिए, जो मामी है ना मेरी बड़ी मामी, उनकी ब्यूटी पार्लर की शॉप है, तो वो लेके आई थी स्मूथनिंग की, फ्रेश नहीं होती वो लेके आई थी, तो मेरे ऊपर ट्राई की थी, देखो कितने अच्छे शाइनिंग हो गए, परमानेंट नहीं है ये, वैसे है टेम्परेरी। तो अभी हम काम कर लेते हैं अपने गर्मियों के कपड़े जचा वो बेड में रख देते हैं और सर्दियों के निकाल लेते हैं। देखो तो ये है मेरे गर्मियों के कपड़े पूरे, ये मेरे भरे हुए थे पूरे इधर तक। देखो अब इनको रखूंगी बेड में और जड्डों के काट दूंगी ठंड के। अभी रख देते, देखो गाने सुनते सुनते हम अपना काम कर रहे हैं, मम्मी वो ठंड के कपड़े निकाल रही है बेड में से। अभी हम धूप में बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। देखो मैंने नेल पेंट लगाई है और अभी मैं ऊपर अपने स्कूल का बैग भी गो के आई हूँ और जूते भी गो के आई हूँ, क्योंकि फिर ना बहुत मैला हो रखा था, 3 महीने रह रहे हैं। मैं सोच रही हूँ 3 महीने अच्छे से चल जाए, साफ सुथरा रहे, ऊपर गर्म पानी और सरफ में भी गो के आ रखी हूँ, ऊपर जाके अब धोऊंगी। अभी रोटी वगैरह खा लिया है और बस धूप में बिल्कुल है ना आड़ है, सारा जी कर रहा है सो जाऊँ। ये हिताक्षी बैठी, हेलो हेलो, क्या कर रही है? कुछ नहीं बैठी हूँ। ये भी धूप सेक रही है, ये मेरे साथ ही आ गई थी, कल आई थी मेरे साथ, मैं ट्यूशन जाती हूँ ना तो इसको भी साथ ले आई, क्योंकि आज संडे था और मैं सोच ही लिया हूँ फिर कल मेरे साथ ही स्कूल चली जाएगी। और पैरों पे भी मैंने ब्लैक नेल पेंट लगाई है, देखो वो कंबल पे लग गई, ब्लैक नेल पेंट लगाई है दोनों पैरों पे, बिल्कुल आड़ का सा रखा है। गाइस बताओ मैं हरियाणवी में भी व्लॉग बनाऊं या नहीं, क्योंकि हम हरियाणा के हैं, हरियाणवी लैंग्वेज ज़्यादा शूट करती है हमारे मुंह पे, और कभी कभी निकल भी आता है यार, आपने देखा होगा, मेरा मन करता है कभी कभी मैं हरियाणवी लैंग्वेज में व्लॉग बनाऊं, पर वहाँ किसी को आधों को समझ में आया आधों को ना आए क्या बोल गई, इसलिए मैं हिंदी में बनाती हूँ। देखो कैसे बैठी और अभी दिखाती हूँ वो सागर है ना, सागर आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स की बेइज्जती मार रहा है, अभी दिखाऊंगी। अरे सागर है व्लॉग जिंदाबाद, अब तोतले व्लॉग जिंदाबाद। सो गाइस हमारे घर के ही मेरी व्लॉग की बेइज्जती मारते हैं, क्या बाहर को तो क्या करूंगी, पार्कों का तो क्या करूंगी, ऊपर देखो कहां से बोल रहा है लो गाइस, चुप हो जाओ। और अभी मम्मी बुला रही है, स्कूल में भी मैंने अभी बताया अपने चैनल के बारे में, तो गाइस मैंने अपने स्कूल में भी अभी बताया अपने व्लॉग्स के बारे में, वो भी ऐसे ही बेइज्जती मारते हैं, क्या करें स्टार्टिंग में सभी बेइज्जती मारते हैं कि सबके बस की नहीं है ना गाइस, सबके बस की हो तो बना ही ना दे, बस दूसरों की बेइज्जती मारने का काम ही आता है। बाहर के व्लॉग्स पसंद आते हैं, घर के व्लॉग्स पसंद नहीं आते इन्हें, क्या करें। नहीं ताक्सी, हाँ। तुझे कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, ओनली शोर।
ओनली शॉर्ट शेव शॉर्ट्स ही अच्छे लगते हैं, व्लॉग्स अच्छे नहीं लगते। क्या करें गाइस, घर के ही ऐसे हैं तो बाहर के तो क्या ही देखेंगे। गाइस सपोर्ट करो मेरे व्लॉग चैनल पे भी, ठीक है? फिर जब भी तो बनाऊंगी व्लॉग्स मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। घर पे ही ऐसे हैं जिनको मेरे व्लॉग पसंद, वो देखते ही नहीं हैं, देखेंगे ही नहीं तो पसंद कहाँ से आएंगे। बाहर के व्लॉग्स देखते हैं तो बाहर के तो व्यूज़ लाइक और सब्सक्राइब तो आते हैं। गाइस करो स्पोर्ट्स, मम्मा जाती है जितने भी, जल्दी से जल्दी ज़्यादा सब्सक्राइबर करवा दो, जो मैं इनको ही बता दूँ मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है? देखो इनको भी मेरा फैन बनाओ। मैं शॉर्ट की फैन हूँ, किसी चीज़ इसको तो बस मेरे शॉर्ट्स ही अच्छे लगते हैं। गाइस करो स्पोर्ट्स ब्लॉग्स पे भी, जल्दी से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है? फिर एक दिन हम पूरा हरियाणवी लैंग्वेज में ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है? कमेंट करके बताना, बताओ कि मैं हरियाणवी में ब्लॉग बनाऊँ या नाम बनाऊँ, ठीक है? हरियाणवी क्या है हमें अच्छे से आती है, हिंदी भी आती है, पर हिंदी ना ज़्यादातर हमारे मुँह पर ना सूट नहीं होती, क्योंकि सारे घर पे हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं। ये इताक्षर हिंदी बोलते हैं, ये हम हरियाणवी बोलते हैं, स्कूल में भी हरियाणवी बोलते हैं, घर पे भी हरियाणवी बोलते हैं, क्योंकि बिलोंग टू हरियाणा। नो हरियाणवी बोलते हैं घर पे भी, पर मैं हरियाणवी बोलते हैं। अच्छा हाँ, मामी वगैरह सारे हरियाणवी बोलते हैं, ये बस हिंदी बोल रहे हैं, क्योंकि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और तो क्या ही है, अभी ऊपर जाती हूँ बैग बुक धो लेती हूँ, ऊपर भिगो के आई हुई ना रोटी खाने से पहले, मैं भिगो आई थी, इतने सारा महल वगैरह कट गया होगा। अभी जा रही हूँ, जूते भी धोऊंगी, फिर स्कूल का काम भी करूँगी बस। तो गाइस देखो ये जो श्याम बाबा की फ़ोटो नहीं ये लगाई है, ये यहाँ पे थी घड़ी, तो हमने यहाँ पे कर दिया, ये बीच में कर दी घड़ी। ये जब वहाँ मिली थी, जब पार्क में श्याम बाबा का प्रोग्राम नहीं हुआ था जगराता, वहाँ से लेके आए थे ये, उन्होंने दी थी। ताऊ लेके आए थे, सबको नहीं मिली, ताऊ को दी थी, हमारे नाम की भी और उनके नाम की भी। तो ये हमने लगा दिया, अब ऊपर चलते हैं कपड़े धोने, वो बैग धोने के लिए और जूते। चलो चलते हैं ऊपर बैग और जूते धोने के लिए। तो देखो बैग और जूते दोनों भिगो दिए हैं, अब इनको ब्रश वगैरह मार के अच्छे से धो देती हूँ, चमका देते हैं बिल्कुल चमाचम। ये देखो स्कूल के कपड़े सुखा रहा है, कल मम्मी ने धो दिए थे रात को, अब सुखा रहा है। ऊपर धूप में बैठी ना, बिल्कुल नींद आ रही है, मन कर रहा है सो जाऊं। देखो गाइस मेरे सीधे बाल हो गए ना, बार बार ना बालों में याद रहेगा एक हफ्ते के, जब तक सिर नहीं धोते जब तक रहेंगे वैसे, फिर अपनी असलियत रूप में आ जाएंगे। ऐसा भी ये नेक्स्ट डे है और मैं भी जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में, वो मेरी बचपन की फ्रेंड है, मैं बहुत दिनों बाद पहली बार उसके घर पे जा रही हूँ, तो अभी चलते हैं, ठीक है? वहाँ पे आपको दिखाएंगे सब कुछ।
टैग जो हमने दिया है कोमल को, देखते हैं इसको पसंद आता है नहीं। अभी कर रही है ये अनबॉक्सिंग सभी के सामने, तो देखते हैं कैसा लगता है कैसा नहीं। पार्टी से सीधा शादी में आ गए थे, अभी आई हुई है बारात, हमें कुछ नहीं दिख नहीं रहा था तो हमने कुछ इतना नहीं बनाया। तो Oh,
पापा अपनी कार को चमकाने में लगे हुए हैं, धो रहे हैं।